गई थी। अच्छा इस फील्ड की बात कर रही, तुम्हारी कॉलोनी पहचान गए तुम्हें, तो रुक दिखा दो यहाँ दिखाओ। ये बताएंगे आपको कि जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट आगे की डिटेल जो है वो मेरे पति दे बताएंगे। ऊपर से लेके नीचे तक असेंबल्ड होना है। तो मॉर्निंग में मैं यहाँ भिंडी तोड़ने आ रखी थी अपनी क्यारी में, और कि बारिश का मौसम है ना तो बहुत जल्दी जल्दी भिंडियाँ एक एक दो दो दिन में ही बढ़नी शुरू हो जा रही है, तो हमारे घर की फ्रेश फ्रेश भिंडियाँ थी ये। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो कैसे आप सब लोग, आई होप यू आर डूइंग वेल, सो वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो अभी क्या है ना, सुबह बज रहे हैं मॉर्निंग के 9, ठीक है, तो 9 बज रहे हैं, नाश्ता पानी वगैरह सब बन चुका है, और अभी मैं ये तोड़ रही हूँ कद्दू के टोक, तो पड़ोस वाली आंटी ने ये लिए हैं तो उनको तोड़ा जा रहा है अभी एक टाइम के नाश्ते के लिए या डिनर के लिए बना रहे थे, नाश्ते के लिए बढ़िया रहते हैं। आज बनाए हैं मैंने मटर की सब्जी, तो मटर की सब्जी बन चुकी है, आटा वाटा हो चुका है, सुनिधि जा रही है नहाने, मैं तो भी पापा कर रहे हैं काम अपना, तो बस ये वैद टुक वगैरह निकाल के फिर मैं भी जाती हूँ नहाने, फिर वैदों को बना लाती हूँ। सो मेन ये है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना गदर मूवी, तो गदर मूवी काफ़ी ट्रेंडिंग में, काफ़ी अच्छी मूवी बताई जा रही है, काफ़ी कितना अच्छे खास करोड़ उसने एक ही दिन में काफ़ी अच्छा पीक पकड़ लिया है, तो हमने कहा चलो देखा जाए, क्योंकि फर्स्ट मूवी भी अच्छी थी गदर की, तो सेकेंड भी देखा जाए कि कैसी है क्या है। तो आज छुट्टी थी इनकी, है मैं सैटरडे की छुट्टी है, हमने कहा चलो देखा जाए, तो फिर उन्होंने कहा चलो आज मूवी देखने चलते हैं। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अब, तो अभी बज रहे हैं आपके 12:30, 12:30 हो रहे हैं, 12 बजे तक, तो आधा घंटा लेट हो गया, वो हो ही जाता है मुझे हर बार का, पर इस बार हमारे पति देव ने लेट किया है, ऐसा नहीं वो काम कर रहे थे ऑफिस का तो लेट हो गया, अभी वो कह रहे थे तरफदारी में करो, पसीना देख रहे हो बैंग कर ये हैंकी ला रहे थे, तो फिर चलो चलते हैं। और धूप बहुत तेज़ हो गई, बहुत तेज़ धूप हो गई, और फिर पहले सुनिधि को छोड़ेंगे, नहीं पहले हम मंदिर जाएंगे फिर सुनिधि को छोड़ेंगे, पर ऐसा होता तो नहीं 12 बजे मंदिर बंद तो नहीं होता ना, अरे वो मंदिर दिन भर खुला रहता है, आज तो सैटरडे है ना, तो मेन वो सैटरडे। अच्छा फिर ठीक है, तो पहले मंदिर चलते हैं हम लोग, और देन फिर उसके बाद सुनिधि को छोड़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना दिन, लो दिन तो स्टार्ट हो चुका है। चलो भैया वैदू चले, अब हमारे यहाँ रोड भी बन गई, पहले देखो कैसी थी और अब देखो पक्की रोड हो गई है, पक्की क्या भी एक रोड और पड़ेगी इसके, एक क्लियर रोड जाएगी, ये जय श्री राम, जय श्री राम। चलो भाई ये उधर बछड़ा ना, मैं बछड़ा ये गाय कुत्ता छोटी हाइट कैसे होगी, और पानी का फ्लो ना बहुत भर के बाहर यहाँ रोड तक आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी थी तो सोख लेता था पानी, अब नहीं है तो पूरा भर जाता है पानी आज कल, यही दिक्कत है। चलो फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको, मिलवाते हैं भगवान जी से, लोग से भी दर्शन कराते हैं, मिलवाते हैं जैसे, तो मंदिर जाना कैंसिल हो सकता है, क्योंकि भी बज गए हैं, कैंसिल नहीं मंदिर जाएंगे दर्शन करेंगे, हाँ दर्शन करेंगे, बट हमने सुना है भंडारा था वो भी कल खा के जाएंगे, प्रसाद वगैरह ले लेंगे, बट अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि थोड़ा सुनिधि का कॉलेज और दूर है और ट्रैफिक बहुत था रस से, मैंने इस वजह से हम लोग को हो गया लेट, तो आधे घंटे लेट थे, 11:57 पे मैं तैयार होके बाहर, मैं 12:10 बच्चों को तैयार करके बाहर आ गई थी, हाँ, और मैं 11:57 हाँ, तो 12 बजे का टाइम था, मैं तो फिर टाइम था 12 बजे मैं हो गई थी, फिर वैद्य को टाइम नहीं लगा, कुछ भी बोलती रहती है बस भरोसा करना सुनने का, दर्शन करके चलेंगे, तो ये आप 400 मीटर दिखा रहे क्या है, हाँ वही तो आने, मैं कहने आने वाला, वो आ तो गया मंदिर वाला जी के सामने, हाँ आ गया मंदिर तो आ गया, अब तो भंडारे भी खाएंगे हम, 1:30 बज रहे भी भंडारे जाएंगे, और क्या, यहाँ से 7 किलोमीटर दिखा रहे हैं 12 मिनट वो माया इंस्टीट्यूट बस, हाँ तो भंडारा खा के जाएंगे हम, ये हम प्रैंक कर रहे थे आप जैसा, चलो ठीक है मंदिर आ गया, मंदिर मंदिर ही आ चुका है,
यहाँ सुनी थी नए जूते खोलते है एक बार पहले दिन पहन के आई और धोने के लिए बना हुआ है यहाँ पे लो जी रोशनी तुम दो क्या इधर फिर दोबारा प्रैंक होगी भंडारा नहीं हो रहा चलो वेदू तो ये है यहाँ पे दुकान लगी हुई है इस साइड में सारे और यहाँ से है एंट्री चलते हैं अंदर दिन का समय तो ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे आपको तो आए थे प्रसाद कहाँ यहाँ तो है नहीं लेने के लिए अच्छा कहाँ है लेने का यहाँ से लेते हैं प्रसाद लेने के लिए प्रसाद लेते हैं है? 120 का है ये तो वहाँ से पीछे को फेंकते हैं वो वाला ये ना अभी ऊपर खुला है ये दे दो एक ना ठीक सो गाइस हमें यहाँ से जाना है ये रास्ता इस साइड से और हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया था हेलो जय हो जय हो जय हो ऊपर 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 ये बैठी आराम से भंडारा बनता है खाना भंडारे का और यहाँ पर छोटा मंदिर है समस्त बालाजी को ये यहाँ पे हम जो ये हमारे को दिया उन्होंने प्रसाद वो चढ़ाएंगे ये भाई वैदु ये देखो जल्दी जल्दी दोबारा बुलाना सब परिवार जय हो जय हो दर्शन वगैरह हम लोगों ने कर लिए हैं यहाँ पे अच्छे से और जो अब जो है ना मेन बात ये यहाँ भंडारा ही नहीं जिसके लिए हम लोग आ रहे थे कि भंडारा होएगा अब खाएंगे हाथ से पेट भर लेंगे आलू प्रसाद ही खाओ गाड़ी में खा लेना भाई ले लो प्रसाद लो अभी ले लो हाथ में थोड़ा है तू जय बोल दो जय पसीना आ गया उसको भी नोम 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 जय हो गाल जय हो चलो चलते हैं हम लोग आप सुनते पसंद चप्पल है गाड़ी में ना गर्म हो गया तो गाइस हमने अभी सुनीति को छोड़ दिया सुनीति जा चले गई पेपर देने के लिए और भी हो रहे हैं ढाई तो साढ़े तीन की हमारी मूवी है तो मोस्ट प्रॉब्लम पहुंच जाएंगे सवा तीन तक तो चलते हैं वैद्य मैडम ने केला खा चुका है मम्मा हाँ बेटा बुआ गई बाबू पेपर देने गई बुआ पेपर देने यस बेटा आम आम कहाँ से खाओगे तो मिलते हैं फिर तो ये IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी तो ये IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी है तो यहाँ के दिखाते जूम से ये देख रहे हो आप ये तो यहीं पे जो भी आर्मी के सिलेक्ट होते हैं तो वो सब यहीं आते हैं अपना मतलब इनकी ट्रेनिंग यहीं चलती है तो ये है पूरा भी दिखा दो यहाँ से प्रॉपर लेफ्टिनेंट वगैरह सब यहीं बनते हैं हाँ तो लेफ्टिनेंट कर्नल
ओवरऑल इंडिया देहरादून में यही आते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ये बताएंगे आपको कि जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट आगे की डिटेल जो है वो मेरे पति दे बताएंगे। ये इंडिया के जितने भी लेफ्टिनेंट होते हैं वो सब यहीं से पास आउट होते हैं पूरे इंडिया में। और ये लवासना है वो ऊपर मसूरी में है, वो लाल बहादुर शास्त्री वाला, वो दूसरा ही है, दूसरा ही है में जो लक्ष्य मूवी की शूटिंग हुई थी ऋतिक रोशन वाली, वो भी यही हुई थी आई एम एम एस वाली। हम लोग पहुंच चुके हैं मूवी देखने के लिए, अभी यहाँ देखते हैं कि भीड़ कितनी है। अभी तो भीड़ शुरू होने ही शुरू हुई है। चलिए बोले हॉल, अच्छा वो फोन में देखा होगा आपने ना। चलो टिकट से लेने आ रहे हैं। अच्छा अब चलते हैं अंदर, छुट्टी होगी। चाला लोन लेके बैठेगा वापस तो एक ही ऑप्शन है। ऊपर से लेके नीचे तक असेंबल्ड लोन है, चलते चलते कोई पहुंच गए भी आवाज नहीं आएगी। मुझे स्टार्ट बड़ी मुश्किल से एक रात काटी मैंने, हल्की सी आठ होती थी लगता है दुश्मन ने चढ़ाई कर दी। और ये देख सकते हैं वैदु भी हमारी उड़ गई है और अभी मूवी का इंटरवल चल रहा है। यही तो चाहिए बस लगी सुई देखा तो हेलो बस ठीक हो गया वैदू है। तो हम लोग निकल रहे हैं, वैदू की वैक्सीन हो चुकी है, सुनीति भी मिल चुकी है हमें, तो हम निकलते हैं घर के लिए। अभी मेरी वैक्सीन बची हुई है, मुझे वैक्सीन लगा के मुझे डॉक्टर के पास जाना है, जिससे डॉक्टर है वो, तो मैं वैक्सीनेशन लेगा उसके बाद फिर हम जाएंगे घर के लिए। तो चलो फिर हो गया, फिर टाइम हो रहा है 7:30 टाइम पे, ऑलमोस्ट सारे काम टाइम पे चल रहे हैं। अब घर चलते हैं, घर आगे खाना पीना तो बना के आई थी, तो सब्जी बन रखी है, बस रोटी बनाएंगे तब बस डिनर करते मिलते हैं आपको। हालत खस्ता हो गई है, थक लग गई है मैं। अभी टाइम हो रहा है 10:45 से ऊपर ही हो गया 5 मिनट। तो अभी ये कर रहे हैं अपनी रिपोर्टिंग, सुनिधि ले रही है फोटोज, वैद्य यहाँ दूध पी के खेल रही है। किस वैद्य फिर से कर दो किस, आहा थैंक यू गुड नाइट किस दे रही है वैद्य। विवेक भैया अगर आपका आवाज पहुंच रही है सुन दिए आपको बोल रही है भैया आपका सामान चोरी खाए इससे पहले अपना सामान ले जाओ। यहाँ चूहे बहुत हो रखे या फिर पापा आपके सामान में से कुछ फेंक दे, ऊपर तो पूछ भी लेते मुझसे ये किसका सामान है। ये स्पेशल मैसेज है विवेक भैया के लिए, अगर वो हमारा ब्लॉग देख रहे होंगे तो उनको मैसेज पहुंच गया होगा ही। मैंने देखते हैं भैया हमारा ब्लॉग ऐसा भैया कह रहे थे, आप पता चल जाएगा कि सच में देखते हो आप या नहीं। ये अगर ब्लॉग पहुंचा और उनका तुरंत कॉल आना चाहिए, फिलहाल ही 3 दिन बाद जाएगा ये ब्लॉग। सो गाइस अब हम 10:45 हो चुके हैं, सब बताया दिखाया आपको टाइम वो मेरे पिछा। तो हम सोते हैं, आराम करते हैं, थक लग गई अच्छी खासी, पूरा दिन आज भारी रहा हम लोग का। ये कौन सी रील थी भाई, ये कौन सी, अरे वहाँ ताई जी की वहाँ बना रहे थे वीडियो तो, अच्छा अच्छा इस रील की बात कर रही तुम्हारी कॉलोनी पहचान गए तुम्हें, तो रुक जा दिखा दो पार्लर के सामने गेट है और यहाँ पे तुम खड़े होकर डांस कर रही हो, ऊपर जा रहे रास्ता ये सही बोला, ये वो दिन पार्लर बंद था पता ताई जी। सही है सही, गुड गुड, ऐसी याददाश्त होनी चाहिए। अब करते हैं आराम, सोया जाया है तो कल ससुराली को फोन लगाना है, तेरे से बात नहीं। हाँ करते हैं कॉल ऑल्स, पापा को कॉल करते हैं। मेरा फोन चला रही थी तब तक मेरे ऊपर कितने शांति से फोन देख रही थी, अब मैंने फोन बंद कर दिया तो अब मेरे फोन छीन के देवर। सो गाइस अब तो गप तुम लोग लगती रहेंगी कुछ ना कुछ है तो होने वाली नहीं यार बस के जाएंगे। सो आई होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और ब्लॉग देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।